yourself. प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ठीक है सर, बहुत प्यार सर। सुने अपना डिवोर्स हो गया ना, तो मैं कर रहा हूँ बाल के नीचे, तो पापा ने बाल से अपनी लोड़ी नहीं करनी। ओके सो हाय एवरीवन, तो सबसे पहले आपको बहुत खुश हूँ मैं आपको घर दिखाने लगा हूँ। 4 साल पहले आया था मैं कनाडा आपकी ही तरह, हो सकता है आप मेरे से पहले आए थे या मेरे साथ आए थे या मेरे बाद आए थे, बट हम सबकी जर्नी बहुत हद तक सिमिलर ही है और रहेगी भी, तो इस जर्नी का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सीधा अंदर चलते हैं, अंदर जाके बातें करते हैं। तो ये है जी मेन एंट्रेंस, हम फ्रंट यार्ड से आए हैं लेकिन यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं। जो कार आप देख रहे हो यहाँ पे वो इंश्योरेंस वालों की कार है, उन्होंने रेंटल दी थी। मेन एंट्रेंस यहाँ से हम एंटर करेंगे, ये ऊपर की एंट्रेंस है मेन एंट्रेंस जहाँ पे हम सभी रह रहे हैं। नीचे मैं 3 गेस्ट रूम्स बनाने लगा हूँ इन टोटल। दिस इज अ 6-bed 2-bath house, एक 4-piece bathroom ऊपर है, नीचे 3-piece है। पहले हम ऊपर चलेंगे और जो चीजें मैंने इस घर में चेंज की हैं आने के बाद वो भी आपको दिखाता हूँ। दिस लाइट इज वन ऑफ दोज थिंग्स, ये रिसेंटली लगवाई गई है। ऊपर जो ये एंट्रेंस आप देख रहे हो सेपरेट एंट्रेंस, ये अभी मैंने आके ही करवाई है, पहले नहीं थी। यहां मैं आपको एक बार अंदर आ लो, यहाँ पे अलग से यहाँ क्लोजेट नहीं है, ऊपर वाले पोर्शन की अलग क्लोजेट है, नीचे वाले पोर्शन की अलग क्लोजेट है जो जैकेट्स और शूज के लिए होती है। तो फिलहाल पहले ऊपर चलते हैं, यहाँ आपको पहले लिविंग रूम दिखाते हैं। सो दिस इज द लिविंग एरिया, बहुत सारी चीजें भी कराने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल ये काउच की मैं वेट कर रहा था, अभी कल परसों ही आया। इस साइड पे डाइनिंग टेबल है, कुछ चीजें हैं जो पिछले होम ओनर्स घर के साथ ही छोड़ गए थे। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको पुराना टेबल दिख रहा है ये पीछे होम ओनर्स छोड़ गए थे। चेयर जो मैंने मंगवाई थी वो आ गई है, इसके साथ यहाँ पे एक बड़ा 8-seat ग्लास टेबल आएगा, जब वो आएगा तब किधर देखेंगे। बहुत लेट हो रही है डिलीवरी, सारी पुरानी चेयर्स जो होम ओनर्स पीछे छोड़ गए थे वो सारी वहां पे लगी हुई है। यहाँ पे एक पुराना शैंडलियर लगा था जिसको रिप्लेस करा के ये कैंडल शेप का शैंडलियर लगवाया, ये भी वो पीछे छोड़ ही गए थे। ये सारा जो भी आप पुराने फर्नीचर देख रहे हो ये घर के साथ ही मिल गए थे। इस साइड पे यहां से किचन की एक एंट्रेंस है, तो ओपन कंसेप्ट किचन नहीं है, क्लोज है। जैसी मैं प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे डाइनिंग रूम में अगर कोई बैठा है तो किचन में जो भी हो रहा है वो अलग अलग सेपरेट है दीवार के कारण। तो ये है जी किचन, किचन ओरिजिनल किचन है, जब ये घर बना था 70s में तब की किचन, ये वैसे इंस्टॉल्ड है। काम जो कराने वाले हैं वो यहाँ पे ये है कि वैसे तो बहुत है, जब काम कराने पे आओ तो कोई लिमिट नहीं होती, जैसे कैबिनेट चेंज करानी है। प्रोजेक्ट ये बहुत बड़ा है तो जब ये प्रोजेक्ट अलग से शुरू होगा तो आप इसका डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए किचन का साइज ये है। तो मतलब स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जगह है, कुछ भी यहाँ पे कल को चेंज करवाना वो हो सकता है। इस साइड पे बैकयार्ड है, यहाँ पे मैं आपको दोबारा लेके आऊंगा, बट अभी यहाँ पे है तो देख लेते हैं। पैटियो फर्नीचर भी आने वाला ऑर्डर किया हुआ है सारनिया से, जो मैं थोड़ा बहुत था मेरे पास वो मैं ले आया हूँ। यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो सारी ग्रीनरी है, यहाँ से अगर आप आगे आओगे ना और यहाँ से अगर आप देखना शुरू करोगे पीछे सारा ग्रीन है, और मतलब ट्री फेंस्ड बैकयार्ड है, वहां तक सारे पेड़ ही पेड़ है। तो मतलब गर्मियों में भी इतनी यहाँ पे गर्मी लगती नहीं है क्योंकि सारा कुछ कवर्ड ही है। इस साइड हम यहां से एंटर हुए थे, ये लिविंग एरिया था। इस साइड पे अगर आप आओगे तो हॉलवे है, पॉट लाइट्स, जो भी आप पॉट लाइट्स देख रहे हो हॉलवे में या तो उधर पीछे भी जो थी वो सारी पहले नहीं थी, वो भी चेंज कराई है पिछले कुछ दिनों में, मैंने सारा कुछ कराया। जो क्लोजेट की बात कर रहा था कि जो ऊपर वाले पोर्शन की क्लोजेट है वो अलग है, यहाँ पे यहाँ थर्मोस्टेट है। एक कमरा ये है, ये वो वाला कमरा जो कभी भी सेट नहीं हो सकता, ये मेरा कमरा है। एक कमरा इधर और एक कमरा ये है, ठीक है जी। हर रूम में ये क्लोजेट्स हैं, एक क्लोजेट यहाँ है, एक वो जो नॉर्मल बेडरूम में होता है। इस बेडरूम की जो खास बात ये है कि इसमें बैकयार्ड का जो व्यू है, इतनी बड़ी विंडोज है ये आता, तो ये पर्सनली रूम मुझे बहुत पसंद है। ये वॉशरूम है, ऊपर 4-piece washroom है, नीचे 3-piece washroom है। तो जो ये पीस, मतलब जो 2-piece, 3-piece, 4-piece जिसको कहते हैं, वो ये है कि जितने भी वाटर आउटलेट्स होंगे वॉशरूम में अगर आप वो काउंट करो तो उतने पीस वॉशरूम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2-piece washroom में आपको सिर्फ एक वॉश बेसिन मिलेगा और एक टॉयलेट मिलेगा, राइट। 3-piece में एक शावर एड हो जाता है, 4-piece में शावर के साथ बाथटब एड हो जाता है। तो ये सारी चीजें
इन ये थ्री पीस फोर पीस का मतलब ये है बेसिकली वॉशरूम के परस्पेक्टिव से। हाँ जी, तो अब आपको लेके चलते हैं बेसमेंट में। नीचे अभी बहुत रेनोवेशन वगैरह हो रही है, जितना भी आपको मैं दिखा सकता हूँ भी दिखा दूंगा, फिर रेनोवेशन कंप्लीट होने के बाद आपको दोबारा सारे खर्चों के साथ एक टूर देंगे। हाँ जी, तो दिस इज द बेसमेंट, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट द वॉकआउट बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि इस रूम की जो यहाँ पे ये वाला रूम है, इसकी एंट्रेंस गैराज की साइड से भी है, जो भी आपको दिख रही होगी। अभी अंदर सारा वो लकड़ सारी डस्ट वगैरह है, तो अभी मैं आपको अंदर नहीं लेके जाऊंगा, एक बार कंप्लीट हो जाए रेनोवेशन, तो रेनोवेशन के खर्चे क्या क्या है, कैसे प्लानिंग करनी है, वो सारी चीजें भी आपसे डिस्कस करनी है। यहाँ पे बीच में एक दीवार करके यहाँ एक रूम बनाया, एक यहाँ रूम बनाया, तो टोटल तीन बेडरूम्स हो गए नीचे, तीन गेस्ट बेडरूम्स। ये वाला जो एरिया है ये स्टोरेज एरिया है, थोड़े बैग्स वगैरह रखे हैं अंदर। इस साइड पे यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल गेस्ट रूम्स हैं, तो नीचे गेस्ट्स के लिए एक फ्रिज और माइक्रोवेव इस जगह पे इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। इस साइड पे एक और वॉशरूम है, और जैसा कि आपको पता है कि थ्री पीस फोर पीस वॉशरूम कौन से होते हैं, तो ऊपर फोर पीस वॉशरूम था, यहाँ पे थ्री पीस वॉशरूम है विद शावर एंड एवरीथिंग। और इस साइड पे है यूटिलिटी रूम, यहाँ पे हॉट वाटर टैंक और फर्नेस है। वॉशर ड्रायर यहाँ पे खराब था, तो नया वॉशर ड्रायर इंस्टॉल कर दिया गया है। ये वॉश शावर है एलजी का, यहाँ लाइट्स मैंने और लगवानी है। अभी इस साइड गैराज है, मतलब एक बाहर से जो गैराज की एंट्री है कार की, वो और ये अंदर से है यूटिलिटी रूम की तरफ। गैराज में जो मैंने आपको मेन चीज दिखानी है वो ये कि यहाँ पे ये पैनल है, ये पहले फ्यूज बॉक्स पैनल था यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक पैनल मैंने करवाया है। अगेन रिलायंस एनर्केयर ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी प्रोटेक्शन पैनल अलग से ले सकते हो, वहां से लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिशियन होते हैं, कंपनी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये जो बड़े काम है इलेक्ट्रिसिटी वाले, ये ऐसी कंपनीज के थ्रू ही कराने चाहिए, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। तो यहाँ पे पहले फ्यूज बॉक्स होता था, ये मैंने अपग्रेड कराया, पहले 100 एम था, ये 125 एम करवाया, उसमें बहुत सारी और भी अप्लायंसेस की यहाँ पे हमें जगह मिल गई। फ्यूज बॉक्स और ये ड्रिप वाले पैनल में ये फर्क होता है कि फ्यूज बॉक्स अगर फ्यूज उड़ जाए तो नया लाना पड़ेगा, इस केस में सिर्फ स्विच आप ऊपर नीचे करके सारी चीजें इजिली मैनेज कर सकते हो। जो मेन चीज रह गई है घर के बारे में वो है एक बैकयार्ड, बैकयार्ड में एक शेड है जो कि है ये। तो अभी हम मैं बैकयार्ड में, यहाँ पे जो चीजें देखने वाली है वो ये कि यहाँ पे जो एसी का एक्सटीरियर कंपोनेंट होता है वो यहाँ पे होता है, ये पीछे डेक का जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, इस साइड पहले शेड है। बैकयार्ड अभी क्योंकि अभी मुझे हफ्ते दो हफ्ते ही हुए हैं घर में आए, तो ये सारा मेंटेन करने वाला है। अगेन सारनिया वाला जो पहला घर था वो भी जो ओनर्स थे वो भी काफी ओल्ड थे, रिटायरमेंट होम जा रहे थे, तो वो भी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए थे बैकयार्ड। यहाँ पे भी सेम केस था, यहाँ के जो ओनर्स है वो भी रिटायरमेंट होम गए थे, वो भी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए, तो हर बार मुझे ही घर लेने के बाद बैकयार्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये सारा कुछ अभी करना है, इसके बारे में जो चीजें होंगी डिस्कस करने वाली वो करूंगा, लेकिन मुझे ये शेड बड़ा पसंद है। आपको शेड के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ। यूजली जो शेड होते हैं ना वो लोग होम डिपो, कैनेडियन टायर वैसे ऐसी जगहों से रेडीमेड ले आते हैं, ये कंस्ट्रक्ट किया गया लिटरली। तो इसमें आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी हैं, बाहर ये बल्ब वगैरह हैं, अंदर भी लाइट पूरी है। ये भी अभी यहाँ पे भी खलेरा ही पड़ा है, बट ये ऊपर भी है यहाँ पे ना, ऊपर एक यहाँ सीढ़ियां आपको दिख रही होंगी, इधर ये सीढ़ियों से ऊपर जाके ऊपर, मतलब ये दो फ्लोर का शेड है, तो बस इतना शेड है। नीचे यहाँ आउटलेट्स हैं, यहाँ पे भी इधर भी आउटलेट्स हैं कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक लॉन मोर लेके आता हूँ या मुझे इलेक्ट्रिक आउटलेट्स चाहिए तो ये शेड में वो सारी फैसिलिटी है। मैं लाइट बंद कर देता हूँ। तो ये है जी बैकयार्ड। अब जो लास्ट चीज रहेगी डिस्कस करने वाली वो है प्राइस। आप देख रहे हो कि घर फुल्ली रेनोवेटेड नहीं है, न्यूली रेनोवेटेड नहीं है, बहुत सारा मेंटेन करने वाला है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के पास वाले एरिया में, ये वन ऑफ दोज प्राइम लोकेशंस है वाटरलू शहर की, जितने भी घर में कंपेरेबल्स देख रहा था सारे बहुत ज्यादा 800 प्रोबेबली 850 900 की रेंज में भी जा रहे थे। अब तो इनफैक्ट प्राइस और बढ़ गए हैं, जैसे जैसे मार्केट थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हो रही है, इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे ऊपर नीचे होते हैं, मार्केट भी यहाँ कैनेडा में फ्लक्चुएट कर रही है, तो मार्केट अभी और ज्यादा ऊपर हो गई है। आसपास घर बहुत महंगे बिक रहे हैं, ये मुझे $100,000 के डिस्काउंट में मिल गया था ऑलमोस्ट अराउंड 750 का, प्लस जो थोड़ी बहुत रेनोवेशन में खर्चे हुए हैं, ऊपर अभी और खर्चे होने हैं बैकयार्ड में जो होने हैं, वो सारे ऐड करके
इट्स स्टिल अ वेरी गुड डील, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैंने यहाँ पे आराम से रहना है। तो बस जैसे जैसे और बाकी एक्सपीरियंसेस होंगे एज अ होम ओनर वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। जो पुरानी प्रॉपर्टी है सारनिया वाली वो मैं रेंट आउट कर चुका हूँ, दैट इज स्टिल कैश फ्लो पॉजिटिव, और ये बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मैंने ये वाली प्रॉपर्टी भी ली है वाटरलू में, दिस इज ऑल्सो कैश फ्लो पॉजिटिव। अभी तो चलो मैं रह रहा हूँ, अभी तो लाइबिलिटी ही है कल को जब ये एसेट बनेगा इसको मैं इन्वेस्टमेंट कंसिडर करूंगा डाउन द लाइन, कभी भी लाइफ में मौका आता है ऐसा, ये प्रॉपर्टी भी कैश फ्लो पॉजिटिव ही रहेगी। और ये बहुत जरूरी होता है हर परस्पेक्टिव से, मल्टीपल एग्जिट स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी ली है। सिर्फ बेचना ही उसको एक ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, आप उसको कैश फ्लो पॉजिटिव रेंट आउट करके कहीं और अपना लाइफ में आगे बढ़ो, ये आपके पास भी ऑप्शन होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, बाकी सारी जो बातें हैं वो आपसे आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे शॉर्ट्स रील्स के थ्रू। तब तक के लिए दैट्स इट एंड आई होप